क्लास 11 की जो सोशियोलॉजी है उसके बड़े सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लॉन्ग में भी, शॉर्ट में भी और वेरी शॉर्ट में भी। अब अगर हमें उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज रहेगी तो हम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चल गया जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में रिपीट होते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम के अच्छे जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में ही बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है क्योंकि आपको भी पता है और मेरे को भी पता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के समझना बहुत ही ज़रूरी है हर किसी के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सोशियोलॉजी। मेरा नाम है गर्व महाजन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बोर्ड क्लास 11 सब्जेक्ट सोशियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो एक बात ध्यान से देख लो कि सोशियोलॉजी का जो आपका एग्जाम था ना वो शायद 2 अप्रैल को था, लेकिन न्यू डेट शीट के अकॉर्डिंग ये अब शायद 28 को है या 29 को है, कुछ इस तरह से है। 29 को है शायद आपका सोशियोलॉजी का एग्जाम और नॉन मेडिकल से जो मैथमेटिक्स का एग्जाम है, क्योंकि जेके बोर्ड ने अपनी जो डेट शीट है 11th क्लास की वो चेंज की थी। इसलिए अब जो स्टूडेंट्स जिन्होंने सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन इतनी अच्छे तरीके से नहीं की थी तो उनको टाइम मिल गया है। टाइम के वजह से अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बता रहा हूँ सोशियोलॉजी के, तो ये बेटर रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और अब चाहते हैं कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता लग जाए। जहाँ जो स्टूडेंट जिन्होंने सब कुछ पढ़ा है लेकिन वो चाहते हैं कि हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग जाए ताकि हम उन पे जो है वो ज़्यादा मेन फोकस कर पाए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझने से पहले ये समझ लो आपको सोशियोलॉजी बोर्ड एग्जाम के लिए लर्न क्या क्या करके जाना है। तो आपको मॉडल पेपर, जो मॉडल पेपर जेके बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया है क्लास 11th की सोशियोलॉजी का, वो आपको पढ़ के जाना है, उसका एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ के जाना। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2023 का क्वेश्चन पेपर और 2022 का क्वेश्चन पेपर जो है ये आपको करके जाना है, यहां से एक भी चीज नहीं छोड़ के जानी 2023 और 2022। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आज के इस वीडियो में पता चलेंगे, अगर आपके पास 2023 और 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है और आपके पास सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर भी नहीं है तो आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। मेरे व्हाट्सएप चैनल के लिंक पे जाओ, उसको फॉलो करो और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको इनमें से क्या चीजें चाहिए, और साथ में ये भी लिख देना कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लिया। जब आप वो लिखोगे, कमेंट करोगे, उसके इमिडिएटली आपको क्या मिल जाएगा, वो चीज़ आपको प्रोवाइड हो जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कर लेना अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वीडियो के थ्रू पता लगेंगे लेकिन 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और मॉडल पेपर है, अगर आपके पास ये है तो इनकी प्रेपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से कर लेना। बड़ा आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सोशियोलॉजी। तो सभी को पता है कि सोशियोलॉजी के जो बुक है ना वो दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड की गई है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट। तो आज हम पहली बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, तो देखो यहां से पहला चैप्टर आता है सोशियोलॉजी मीनिंग नेचर एंड स्कोप। सोशियोलॉजी मीनिंग नेचर एंड स्कोप, यहां से आपको क्वेश्चन कौन सा लर्न करना है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशियोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन शॉर्ट आंसर में। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला शॉर्ट में करना है जी, क्योंकि अगर सिंपल यही आया ना कि एक्सप्लेन इट्स मीनिंग विद डेफिनेशन तो आपको 4 मार्क्स में आएगा। अगर लॉन्ग में आया तो इसके साथ नेचर और स्कोप जो है वो ऐड हो जाएगा। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका,
सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है जिसमें ये चीज लिखनी है कि सोशियोलॉजी है क्या, फिर लिटरल मीनिंग लिखना है, लिटरल मीनिंग इसमें ये चीज लिखनी है कि द वर्ड सोशियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू लैटिन वर्ड्स दैट इज सोशियस एंड लॉगस। सोशियस मीन सोसाइटी, लॉगस मीन स्टडी, हेंस द कंबाइंड मीनिंग ऑफ टर्म सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी, लिटरल मीनिंग ये आ गया। फिर आपको डेफिनेशन लिखनी है कि नहीं, दो स्कॉलर्स की आपको डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन करनी है और एंड में आपको कंक्लूजन जो है वो बनाना पड़ेगा। चार मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो वो आता है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। अब नेचर ऑफ सोशियोलॉजी किस तरह से करना है, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी आप इस बुक से रहने देना, इस बुक से नहीं करना नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी करना है नेक्स्ट से, जिसमें आपको तीन स्टेप जो है या चार स्टेप जो है सोशियोलॉजी के नेचर के बारे में वो लर्न करने हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ये वाला क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे सेंड कर दूं तो मेरे को बता देना, क्योंकि नेचर जो है ना वो हमेशा आपका बनेगा स्टेप में। अगर आपका शॉर्ट आंसर में आता है डिस्कस द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी तो आप उन्हीं चार स्टेप को लिख के उनको एक्सप्लेन करके आ जाना। अगर आपको लॉन्ग आंसर में आता है डिस्कस विद मीनिंग द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी तो मीनिंग लिखना सोशियोलॉजी का और उसके नेचर के तीन स्टेप आप लिख के आ जाना। तो स्टेप में आपको ये नेचर जो है वो करना पड़ेगा, दो क्वेश्चन। उसके बाद स्कोप जो है सोशियोलॉजी का, उसके भी आपको चार स्टेप ही करने हैं। यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया गया है कि फॉर्मलिस्टिक स्कूल सोशियोलॉजी इज ए स्पेशल साइंस वगैरह वगैरह, इस तरह से आपको नहीं करना, क्रिटिसिज्म ये वगैरह नहीं करना, आपको बस स्कोप लिखना है और स्कोप के चार स्टेप जो है उनको लिख के उनके आगे एक्सप्लेनेशन करते जाना है। जो क्वेश्चन आपको चाहिए मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना भाई। उसके बाद यहाँ पे जो शॉर्ट आंसर आती है तो शॉर्ट आंसर में इज सोशियोलॉजी ए साइंस, ये शॉर्ट आंसर आपको करना पड़ेगा। वेरी शॉर्ट में आपको गिव द मीनिंग ऑफ नेचुरल साइंस, गिव मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, ये आपको करना पड़ेगा और एमसीक्यू इस चैप्टर के करने पड़ेंगे। एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी और इसके साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ये दो आपको लॉन्ग आंसर में करने पड़ेंगे। शॉर्ट आंसर में डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप, एनलाइटनमेंट पीरियड एंड सोशियोलॉजी, ये आपको शॉर्ट आंसर में करने पड़ेंगे। वेरी शॉर्ट में यहाँ पे आपको करना पड़ेगा व्हाट वाज एनलाइटनमेंट पीरियड और मल्टीपल चॉइस जो है वो आपको इस चैप्टर से करने पड़ेंगे। जो सोसाइटी चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, वहां से व्हाट इज सोसाइटी एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये आपको किस तरह से करना है। देखो ये क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सोसाइटी का ना मीनिंग लिखना पड़ेगा, मीनिंग, फिर आपको दो डिफाइन देनी पड़ेगी और चार आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लर्न करनी पड़ेगी, सिर्फ चार। अब चार क्यों, देखो अगर शॉर्ट आंसर में आता है ना डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी तो आप इन्हीं चार जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर लॉन्ग में आ गया डिस्कस विद मीनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, फिर पहले उसका मीनिंग देना है, एक डेफिनेशन देनी है और एंड में चार कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी भी आएगी चार ही करनी है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहां पे एक लॉन्ग आंसर बनता है, यहां से और कोई लॉन्ग आंसर करने की आपको जरूरत नहीं है, और कोई लॉन्ग आंसर यहां पे नहीं करना, यहां पे शॉर्ट आंसर आपको करना है पावर थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ सोसाइटी, पावर थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ सोसाइटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, डेफिनेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, ये आपको शॉर्ट आंसर में करने पड़ेंगे। और वेरी शॉर्ट में सोसाइटी इज अब्स्ट्रैक्ट, हाउ, वट इज अ सोसाइटी, वट इज सिंपल सोसाइटी, वट आर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, ये आपको वेरी शॉर्ट में करनी पड़ेगी। उसके बाद फोर्थ चैप्टर सोशल ग्रुप, यहाँ पे आपको वही वट इज सोशल ग्रुप, एक्सप्लेन इट्स करेक्टरिस्टिक्स, सोशल ग्रुप का मीनिंग, दो डेफिनेशन और उसकी चार करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो शॉर्ट आंसर में आपको बनाना पड़ेगा डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप एंड डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। यहां पे शॉर्ट में एक और आपको आंसर बनाना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, ये आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा।
उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो भाई व्हाट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मीनिंग लिखना तीन चार लाइनों में, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मीनिंग रहता है तीन लाइनों में लिखना, दो डेफिनेशन देना और चार कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी लर्न कर लेना, जो चार आपको पसंद है वो आप कर लेना। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज कास्ट सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कास्ट सिस्टम का मीनिंग, दो डेफिनेशन और चार कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद मेरिट्स नहीं करनी, डी मेरिट्स नहीं करनी कास्ट सिस्टम की। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका बनेगा, विच टाइप ऑफ चेंजेस आर कमिंग इन कास्ट सिस्टम, विच टाइप ऑफ चेंजेस आर कमिंग इन कास्ट सिस्टम। उसके बाद क्लास वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं करना। एक क्वेश्चन आपका बनेगा शॉर्ट आंसर में, डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास, डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास, ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद शॉर्ट आंसर की अगर हम बात करें तो हाउ ऑक्यूपेशन इज फिक्स्ड इन कास्ट और गिव द मीनिंग ऑफ अ सोशल क्लास, ये आपको जो है वो शॉर्ट आंसर में करना पड़ेगा। वेरी शॉर्ट, आप सभी देख के चले जाना और मल्टीपल चॉइस आपको करने पड़ेगी। सोशल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो डिस्कस द मीनिंग ऑफ सोशल कंट्रोल, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तीन चार लाइनों में सोशल कंट्रोल का मीनिंग, दो उसकी डेफिनेशन और चार उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, एक्सप्लेन इट्स फीचर नहीं करना, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्मल कंट्रोल नहीं करना। यहाँ पे शॉर्ट आंसर में आपको करना पड़ेगा, विच टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल अकॉर्डिंग टू किम्बल यंग और गिव्स द टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल गिवन बाय मैनहीम, व्हाट आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेटस एंड रोल वाले कॉन्सेप्ट की, तो व्हाट इज स्टेटस, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तीन चार लाइनों में स्टेटस का मीनिंग, दो उसकी डेफिनेशन और चार उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। टाइप्स नहीं करनी। फिर रोल, रोल का सिर्फ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है, मीनिंग नहीं करना, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स। शॉर्ट आंसर की अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस्क्राइब्ड स्टेटस एंड अचीव्ड स्टेटस, और ये आपको क्वेश्चन जो है वो करना पड़ेगा शॉर्ट आंसर में। सोशल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय मैरिज, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मैरिज की तीन चार लाइनों में मीनिंग देना, दो उसकी डेफिनेशन और चार उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज, जिसमें एक्सोगैमी, एंडोगैमी, पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी, लव मैरिज, फिर मतलब अथर्व विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, ये सारा आप दे सकते हो। उसके बाद फंक्शंस ऑफ फैमिली, इसमें मीनिंग नहीं करना फैमिली का, सिर्फ फंक्शंस ऑफ फैमिली, चार आपको फंक्शन करने पड़ेंगे, कोई चार फंक्शन आप कर लेना। उसके बाद व्हाट इज इनशिप, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। कैटेगरीज इसकी नहीं करनी। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं करना। मैरिजेस की टाइप्स आपको बोल दिया, कर लेना भाई। उसके बाद शॉर्ट आंसर की अगर हम बात करें तो फैमिली इज यूनिवर्सल, एक्सप्लेन। उसके बाद व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ज्वाइंट फैमिली, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ ज्वाइंट फैमिली, व्हाट इज कॉन्सेंजुनियस इनशिप, व्हाट इज क्लैन, व्हाट इज एफिनल इनशिप, व्हाट इज डिसेंट, व्हाट इज इंसेस्टर, ये आपको शॉर्ट आंसर में करने पड़ेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूशन सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स, इंस्टीट्यूशन सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स, क्वेश्चन नंबर 27, वेरी शॉर्ट, यहां से कोई नहीं करना। अब अगला चैप्टर रिलीजन एंड एजुकेशन, तो व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजन, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको करना पड़ेगा। रिलीजन का तीन चार लाइनों में मीनिंग, दो उसके डेफिनेशन और चार उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद अगर हम बात करें मेरिट्स नहीं करने रिलीजन के, डी मेरिट्स नहीं करने, व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट आर इट्स रोल, या व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एजुकेशन का जो मीनिंग दे देना, दो डेफिनेशन और उसकी चार जो है वो इंपॉर्टेंस लर्न कर लेना। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन, जिसमें फॉर्मल एजुकेशन आएगी, इनफॉर्मल एजुकेशन आएगी, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, जनरल, स्पेशल। इसमें शॉर्ट आंसर में आपको करने पड़ेंगे हाउ रिलीजन कॉन्ट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द मैन। उसके बाद व्हाट इज
हाउ एजुकेशन हेल्प्स इन सोशल कंट्रोल, हाउ एजुकेशन कैन बी यूजफुल फॉर सोसाइटी। तो हाउ एजुकेशन कैन बी यूजफुल फॉर सोसाइटी, आपने चार जो है उसकी इंपॉर्टेंस लर्न की है वही आपको लिख देंगे। उसके बाद इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स या एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स यहाँ पे आएगा। उसके बाद फंक्शन ऑफ स्टेट नहीं करना। उसके बाद थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है और 6 मार्क्स में आपको बनाना पड़ेगा। कैपिटलिज्म आपको यहाँ पे नहीं करना, कैपिटलिज्म यहाँ पे नहीं करना। जज़मानी सिस्टम नहीं करना। क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय सोशलिज्म, ये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 4 मार्क्स में। उसके बाद शॉर्ट आंसर में आता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैपिटलिज्म। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म और राइट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कैपिटलिज्म, यहाँ पे आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। उसके बाद व्हाट इज गवर्नमेंट, गिव इट्स 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, व्हाट इज सॉवरेनिटी, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, ये आपको क्वेश्चन जो है वो करना पड़ेगा। अगले चैप्टर की अगर हम बात करें जो आता है हमारा कल्चर, तो डिस्कस द मीनिंग ऑफ कल्चर, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देनी पड़ेगी। वही मीनिंग लिखना है 3-4 लाइनों में, 2 डेफिनेशन देनी है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करनी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मटीरियल कल्चर एंड नॉन मटीरियल कल्चर। सिंपल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल नॉर्म्स, मीनिंग नहीं करना। उसके बाद सोशल वैल्यूज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल वैल्यूज, यहाँ पे भी इसका मीनिंग डिफाइन जो टाइप्स आती है वो नहीं करना। उसके बाद शॉर्ट आंसर में कल्चर इज लर्नड बिहेवियर, हाउ, 4 कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन चैप्टर आता है आपका 12, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन, और उसकी आपको जो है वो एलिमेंट्स करने पड़ेंगे, मीनिंग लिखना पड़ेगा 3-4 लाइनों में, या तो आप नेट से लर्न कर सकते हैं कि मीनिंग क्या है सोशलाइजेशन का, 4 लाइनों में सोशलाइजेशन का मीनिंग बनाना है और 4 उसके एलिमेंट जो है वो लर्न करने हैं। मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन नहीं करना, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन नहीं करना। शॉर्ट आंसर की बात करें तो गिव 2 फीचर्स ऑफ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, बस ये क्वेश्चन। और व्हाट डू यू मीन बाय लुकिंग ग्लास सेल्फ, ये आपको करना पड़ेगा शॉर्ट आंसर में। यहां पे अगर हम बात करें क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट की, तो अगस्त कॉमेट, यहां पे आपको करना पड़ेगा व्हाट डू यू नो अबाउट कॉमेट्स लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। तो यहां पे बहुत बड़ा लिखा गया है लेकिन आपको इसको शॉर्ट में बनाना है, मतलब शॉर्ट में ये नहीं कि 4 मार्क्स में बनाना है, करना 6 मार्क्स में ही है, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा बीच में कट करते जाना। उसके बाद व्हाट इज क्लास्टर स्ट्रगल, डिस्कस इट्स कॉन्सेप्ट गिवन बाय कार्ल मार्क्स, सोशल फैक्ट्स आपको नहीं करना। उसके बाद जहां पे क्वेश्चन आता है ना सुसाइड वाला कॉन्सेप्ट, यहां पे आपको सिर्फ टाइप्स करनी है सुसाइड की, सिर्फ टाइप्स, और वो भी 4 मार्क्स में, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन उसको करनी है बस, पूरा लंबा भी मत लिख देना। उसके बाद शॉर्ट आंसर में व्हाट इज क्लास अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, और व्हाट इज कैपिटलिस्ट क्लास, व्हाट इज लेबरल क्लास और प्रोलिस्टेस्ट, व्हाट इज सुपरस्ट्रक्चर, व्हाट इज बेस एंड सब कल्चर, ये आपको शॉर्ट आंसर में करने पड़ेंगे। उसके बाद जैसे कोई वो क्वेश्चन है ना 3 स्टेजेस ऑफ लॉ, वो अगर आपको लॉन्ग में नहीं ना करना तो उनकी स्टेज का नाम लिखो और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो शॉर्ट से लर्न कर लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, तो राइट ब्रीफली अबाउट जीएस गुरे, ये आपको करना पड़ेगा। गिव द फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम गिवन बाय जीएस गुरे। डीपी मुखर्जी व्यू ऑफ स्टेट, डीपी मुखर्जी का जो करेक्टरिस्टिक स्केच है वो नहीं करना, लेकिन जो डीपी मुखर्जी के व्यू है ना ट्रेडिशन एंड चेंज पे वो आपको करनी है। एआर देसाई का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं करना। एम एन श्रीनिवास का जो कॉन्सेप्ट है संस्कृताइजेशन पे वो आपको करना पड़ेगा, संस्कृताइजेशन का मीनिंग और उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद सोर्सेस ऑफ संस्कृताइजेशन नहीं करना,
चेंजेस कम विद संस्कृताइजेशन जो है वो नहीं करना। द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन इज नॉट करेक्ट, जो उसकी डीमेरिट्स आ गई वो आपको करना पड़ेगा। शॉर्ट आंसर में गिव अ फ्यू नेम्स ऑफ बुक रिटन बाय जीएस गुरे और गिव डज गुरे स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, ये आपको शॉर्ट आंसर में करना है। तो एक बुक जो है सोशियोलॉजी की वो यहाँ पे होती है कंप्लीट। अगली वीडियो में हम सेकेंड बुक के बारे में जो है वो बात करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करना ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक जरूरी बात, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सोशियोलॉजी का पेपर किस पैटर्न से आएगा और सोशियोलॉजी के पेपर में हम बेटर स्कोर किस तरह से कर सकते हैं, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, तो उन दोनों टॉपिक्स पर मैं सेपरेटली अलग अलग वीडियोज बना चुका हूँ जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई चीज़ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करके मेरे को कमेंट में बता देना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।